Hello students, we have already discussed in our last YouTube video for 6th, 7th, 8th class. ठीक है, यूनिट चल रही थी और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो यूनिट्स हैं उनको आगे की तरफ लेके चलते हैं उस और बाकी की जो ऐसा यूनिट्स हैं तो वो भी आपको मैं बताऊंगा. और आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूंगा और आशा करता हूँ कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, और अपनी फेयर कॉपी बना लें. 6th, 7th और 8th क्लास तीनों क्लास के स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा अपनी फेयर कॉपी बना लें और उस फेयर कॉपी में वर्क करना स्टार्ट कर दें. सबसे पहले आप मेरे YouTube वीडियो को देखोगे तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप फेयर कॉपी में वर्क करें. आपको पहले वर्क करना है अपनी रफ कॉपी में. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसी में करेक्शन कर लेना है. ठीक है, रफ कॉपी में करने से ये फायदा है जो गलती होंगी रफ में ही होंगी, फेयर में उसको नीट एंड क्लीन आप वर्क करें. ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करें हेडिंग्स में. तीनों क्लासों के लिए कॉमन बोल रहा हूँ, 6th, 7th, 8th क्लास जो तीनों क्लासेस हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ब्लैक पेन का यू शुड यूज ब्लैक पेन इन साइंस. ठीक है, साइंस में ब्लैक पेन का हेडिंग में यूज करें, क्वेश्चंस में यूज करें, ब्लू पेन का यूज आंसर्स में करें और जो आपके पेंसिल है पेंसिल का यूज डायग्राम बनाने में करें. 5th क्लास के स्टूडेंट जो प्रमोट किए गए हैं, दोज स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास विच आर टोटली स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड इन 6th क्लास, उनके लिए कहना चाहूंगा तो वो नई एक नई तरीके से नई सिरे से साइंस को पढ़ने जा रहे हैं. तो जो EBS पढ़ी थी आपने 5th में जिसे मैंने ही पढ़ाया था आपको, तो वो ही EBS का डेवलप्ड फॉर्म है साइंस. ठीक है, जो भी मैं YouTube वीडियो में आपको डाल रहा हूँ सिस्टमेटिक होमवर्क करना, उसको लर्न करना. सभी स्टूडेंट 6th, 7th, 8th क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे. फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो WhatsApp पे, ठीक है, WeChat के थ्रू, Telegram के थ्रू, है ना, मैसेजिंग के थ्रू, YouTube जो कमेंट बॉक्स होता है उसके थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, मैं हर समय आपकी हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. और दोबारा आपसे कहना चाहूंगा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ. ठीक है, लेट्स वी हैव वी कम टू द पॉइंट. ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक. कल लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा यूनिट्स बताई थी, आज आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ. लेंथ की यूनिट मास, वो लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, हाइट की मीटर, विड्थ की मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, पोटेंशियल की वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, पावर, ऐसे करके मैंने आई थिंक आपको 19 से ऊपर मैंने यूनिट्स लिखवाई थी. 19 पे एरिया की मीटर स्क्वायर लिखवाई थी, एनर्जी की आपको मैंने लिखवाई थी. ठीक है, एनर्जी की क्या है यूनिट, एनर्जी की यूनिट है मीटर. ठीक है, इसके बाद देखिए आप टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट मीटर आपको, एक सेकेंड, यहां पर मैंने आपको बताई थी चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम. मैंने एक चीज आपको बताई थी लास्ट की वीडियो में, टेम्परेचर की यूनिट मैंने आपको गलत कल, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट में आपको मीटर बता दी थी लास्ट वीडियो में, तो उसको करेक्शन कर लेना. ठीक है, करेक्शन कर लेना, आई एडमिट माई मिस्टेक. ठीक है, करेक्शन कर लेना. टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, यहां पर मैं बता चुका हूं टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है आपके, केल्विन होती है. इसके बाद देखिएगा टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पर आपके केल्विन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पर देख लीजिए टेम्परेचर की यूनिट, ये रही टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में आपको बता चुका हूँ. 10 नंबर पे 21 पे आपने जो टेम्परेचर लिखा है इसकी यूनिट लिख लें डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, क्या लिख लें, डिग्री DEGRW डिग्री सेल्सियस CELCIUS डिग्री सेल्सियस कर लें इसको. ठीक है, क्या कर लिया आपने, सेल्सियस कर लें. ठीक है, और इसका साइंस होगा डिग्री का पॉइंट और सी बना दे डिग्री सेल्सियस. चार्ज की कूलम होगी, रेजिस्टेंस की ओम हो चुकी है, कंडक्टेंस की सीमेन आपको कल मैंने बताई थी. ठीक है, सीमेन आपको बता दी थी SIEMEN सीमेन की एस. फिर आपको इंडक्टेंस की बताई थी हेनरी. ठीक है, इस पर आपने लिखा था सिंबल कैपिटल एच. कैपेसिटेंस की बताई थी मैंने फेरेट. ठीक है, अब आप चलिए आगे मैग्नेटिक फ्लक्स. इन यूनिट्स को आपको फेयर में करना है, लर्न भी करना है, ध्यान रहे. 27 पर आ जाइए, मैग्नेटिक MAGNETIC मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वेवर, WEVER वेवर. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट हो जाएगी, वेवर, और इसका सिंबल हो जाएगा WV, W कैपिटल में, B स्मॉल में. ठीक है,
आगे आ जाइए 28 पर, 28 पर मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद आप लिखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX फ्लक्स डेंसिटी DENSITY मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये यूनिट मैं आपको खुद से ही लिखवा रहा हूं इसलिए सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ 6th, 7th, 8th क्लास स्टूडेंट घर पे रहें सुरक्षित रहें बट साइंस को जरूर से जरूर पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे साइंस को ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है साइंस को लर्न करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होगी टेस्ला TESLA टेस्ला कैपिटल टी ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बाद आप लिखिएगा ल्यूमिनस फ्लक्स की लिख दीजिए ठीक है, ल्यूमिनस LUMINOUS ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स की आप लिखिएगा ल्यूमेन LUMEN हो गई इसकी ल्यूमेन और इसका सिंबल हो गया LM ठीक है। 30 कितनी हो गई 29 होगी, 30 पर आप लिखिए आपको 30 पर लिख सकते हैं आप फोर्स की आपके होगी जो मैच कर रही हो, ध्यान देना एक बार 30 तक 29 तक लिखवा चुका हूं जो यूनिट्स आपके मैच कर रही हो सो प्लीज उनको देख लीजिएगा कोई यूनिट रिपीट ना हो जाए ठीक है, कोई यूनिट रिपीट ना हो जाए और ऐसा लगता है कि रिपीट हो गई तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा कि कोई यूनिट आपके रिपीट ना हो जाए ठीक है। ल्यूमिनस की मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी फ्लक्स ल्यूमेन बताई थी आपको, एक्सेलरेशन की बता चुका हूं क्या मैं, एक्सेलरेशन नहीं बताई आई थी, एक्सेलरेशन की लिखे आप एक्सेलरेशन LERETN एक्सेलरेशन की लिख ले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 31 पे आ जाइए एक्सेलरेशन के बाद आप लिखें स्पीड की SPEET एक एक लाइन का गैप देना है सब में ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का गैप देना है स्पीड की मीटर पर सेकेंड ठीक है, मीटर पर सेकेंड। SEC लिखा मैंने एक्सेलरेशन में, SEC का मतलब सेकेंड का स्क्वायर किया, देख लीजिए सेकेंड का स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर नहीं करना है सेकेंड का स्क्वायर करना है ठीक है। इसके बाद 32 पर आ जाइए वेलोसिटी, अगर जो यूनिट रिपीट हो जाती है तो उसको दोबारा मत लिखिएगा ठीक है, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड ठीक है। वॉल्यूम की हो जाएगी, एरिया की मैंने आपको लिखवाई थी मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया वॉल्यूम, मीटर की पावर 3 वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी मीटर की पावर 3 ठीक है। इस लाइन को और नीचे बढ़ा देता हूं मैं ठीक है, इसको भी और नीचे कर देता हूं। 33 पे वॉल्यूम हो गया, 32 पे मीटर की पावर 3 ठीक है। डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, डेंसिटी की लिख लीजिए DENSITY डेंसिटी की किलोग्राम पर PER पर मीटर METER मीटर क्यूब, डेंसिटी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपको दिख रहा होगा डेंसिटी के सामने। 34 डेंसिटी के बाद आप लिख लीजिए मास डेंसिटी लिख सकते हैं, मास डेंसिटी की भी यही होगी MASS मास डेंसिटी DENSITY। ये जो कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं तो क्या वो हमारी बुक चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंग है, तो मैं सभी उन्हीं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा यस, आप जो पढ़ रहे हैं अभी रनिंग में जो यूट्यूब वीडियो आ रहा है और जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आपकी नई बुक के और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। साइंस में, साइंस में जो भी वर्क आप कर रहे हैं जो भी वीडियोस के थ्रू आप लिख रहे हैं होमवर्क कर रहे हैं सो डोंट वरी फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से चिंता मत कीजिए, ये आपको नई बुक के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट में पढ़ा रहे हैं और साइंस में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपकी फाउंडेशन से रिलेटेड भी आपको पढ़ाऊंगा सो डोंट वरी ठीक है। मैं फाउंडेशन का भी लेके चलूंगा, कुछ बच्चों के डाउट है सर फाउंडेशन पढ़ाई जाएगी क्या, सर ये पढ़ाया जाएगा का, अभी इन चीजों पर ध्यान न दे करके जो वीडियो चल रहे हैं उन पर फोकस करें, राहुल जी सर जो साइंस में आपको बता रहे हैं उस पर अपना कंसंट्रेशन करें ठीक है। वो आप मेरे ऊपर छोड़िए कि आपको कैसे फाउंडेशन का होगा सिलेबस, फाउंडेशन का जो है मैं साथ में स्टेट बोर्ड के साथ में ही आपको लेके चल रहा हूँ और जो वीडियोज में आपको पढ़ा रहा हूँ ये फाउंडेशन का भी इसमें इंक्लूड करूंगा मैं साथ के साथ सो डोंट वरी फ्रॉम माय साइड। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, 34 यूनिट मास डेंसिटी की हो जाएगी किलोग्राम ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है। 35 पे आ जाइएगा मास डेंसिटी के बाद आप देखिए ठीक है,
करंट डेंसिटी की बोल सकते हैं, जो जो मैं काम किया आपकी वो लिखवा रहा हूँ जी, ठीक है, जो आपके काम में आएगी वो लिखवा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी की आई थिंक हो गई क्या, फ्रीक्वेंसी की यूनिट देख लीजिएगा, शायद आई थिंक हो गई, हर्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, पावर हो गई, प्रेशर हो गई। स्ट्रेस की लिख लीजिए, STRESS की, स्ट्रेस की भी जो प्रेशर की होती है पास्कल, ठीक है। 36 पे लिखी है आप, कैपेसिटेंस की आपको मैं लिखवा दी, मैग्नेटिक आपको टेम्परेचर की हो गई, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स की लिख दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी होती है न्यूटन, ठीक है, इंटू मीटर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। 37 पे आ जाइए, ठीक है, सरफेस टेंशन, सतही, सरफेस टेंशन, TEN, टेंशन का मतलब तनाव, पृष्ठ तनाव होता है, इसका मतलब होता है पृष्ठ तनाव, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, NEWTON, न्यूटन पर का साइन ये है मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूटन का N पर मीटर, पर का साइन ये होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 38 सरफेस टेंशन हो गया आपके, सरफेस टेंशन के बाद देखिए आप एनर्जी की, मैंने आपको लिखवा दी मोलर एनर्जी, जूल पर मोल, ठीक है, मोलर एनर्जी की लिख लीजिए, MOLAR, मोलर एनर्जी, मोलर एनर्जी की लिख लीजिए, जूल, JOUL, जूल पर का साइन ये स्लैश होता है ना, स्लैश अपने इस तरीके से स्लैश काटते हैं, इस तरीके से स्लैश जो आप काटते हो ऐसे ही है, जूल पर मोल, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई जूल पर मोल, ठीक है। एनर्जी की मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है, विस्कोसिटी, और आप देखिए आगे चलिए, जो जो काम किए मैं आपको वो लेके चल रहा, रेजिस्टेंस, ठीक है। 39 पे आ जाइए, जैसे जैसे मेरे को याद आ रही है, राहुल सर को जैसे जैसे पता चल रहा है, जैसे जैसे मुझे रिकॉल होती जाती है, मैं आपको लिखवाता जाता हूँ, फिर भी अगर कोई यूनिट रह जाती है, ठीक है, अगर कोई छोड़ देते हैं हम, तो टेंशन मत कीजिएगा, अगली वीडियोज में मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। आपके वेलोसिटी एक्सीलरेशन, डिस्टेंस की हो गई आपके, आई थिंक डिस्टेंस की नहीं हुई, तो डिस्टेंस की लिखिएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, METER, देख लीजिएगा अगर मैच कर जाती है, अगर डबल रिपीट ना हो जाए देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है। आप आ जाइए 42 पर, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए आप 42, ठीक है, 42 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया, टाइम हो गया। वेव लेंथ पे आ जाइए, वेव लेंथ, LENGTH, वेव लेंथ की होती है आपके मीटर, वेव लेंथ की क्या होती है मीटर, ठीक है। 43 जैसे जैसे मेरे को याद आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। फोर्स की हो जाएगी आपके न्यूटन, FORCE, फोर्स की हो जाएगी न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, ठीक है। मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम का मतलब संवेग, P=MV का मतलब एम की किलोग्राम, V का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर, ये पर का साइन है, ये पर का साइन होता है, तिरछा जो आपको लाइन दिख रही है पर का साइन है, PER पर, ठीक है, या अपॉन, ठीक है, इसको होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट की होती है न्यूटन, NEWTON, न्यूटन जो फोर्स की होती है, ठीक है। 46 बाजी जैसे जैसे मेरे को याद आएगा, ठीक है। करंट की एम्पियर, CURRENT, करंट की हो जाएगी आपके एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। 47 चार्ज की हो जाएगी, चार्ज की मैं लिखवा चुका हूं करंट के बाद, ठीक है, आपके करंट डेंसिटी, ठीक है, अगले लिख लीजिए करंट डेंसिटी, ये पूरा एक वर्ड है करंट डेंसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी आपके एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 48 यूनिट्स आपके जो भी मेरे को याद आ रही है मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी हो गई, वेव नंबर, डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया आपके, ठीक है, सरफेस डेंसिटी है, पावर, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट की लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट की हो जाएगी, ठीक है,
जूल, जे ओ यू एल ई, जूल, ठीक है। और भी काफी यूनिट्स है जो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, इन यूनिट्स का प्रैक्टिस करें, याद करें इनको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा साइंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।